नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फीएसटे क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, कल दोनों शिफ्ट में बिहार पुलिस का एग्जाम था। दोस्तों एग्जाम से एक घंटा पहले ही क्वेश्चन वायरल हो गया था सोशल मीडिया पर, सभी स्टूडेंट के फ़ोन पर एक घंटा पहले ही क्वेश्चन आ गया था और बहुत जगह स्टूडेंट पकड़ाया भी, समस्तीपुर पटना नवादा में बहुत जगह स्टूडेंट पकड़ाया है। इसी के लेके देख लिए नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान है, जो दोनों शिफ्ट को एग्जाम को रद्द करके नए सिरे से फिर से एग्जाम लिया जाएगा। क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि किया गया है जो सही में क्वेश्चन वायरल हुआ, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। क्या सही में नीतीश बाबू बोल रहे हैं जो दोनों शिफ्ट के एग्जाम को रद्द करके नए सिरे से एग्जाम लिया जाएगा, और पदाधिकारी क्या कह रहे हैं, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं, जो कल दोनों शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है और क्वेश्चन एक घंटा पहले वायरल हुआ है, तो नीतीश बाबू क्या बोल रहे हैं और अधिकारी क्या बोल रहे हैं, सीएसबीसी की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, यह पटना का सीन है, ध्यान से देख लीजिए, जो कि यहाँ भी स्टूडेंट पाँच छः स्टूडेंट पकड़ाया है, बाहर से तीन स्टूडेंट आंसर लिखा रहा था और अंदर में स्टूडेंट डिवाइस के माध्यम से लिख रहा था, यहाँ भी पकड़ाया है। नवादा में भी छः स्टूडेंट पकड़ाया गया है, समस्तीपुर में डिवाइस के साथ स्टूडेंट पकड़ाया है। एक घंटा पहले ही क्वेश्चन वायरल हो गया था और सोशल मीडिया पर एक घंटा पहले ही सभी के पास आ गया था और बाहर से आंसर लिखाया जा रहा था अंदर में। देख लीजिए, यही प्रश्न था 100% स्टूडेंट के पास, यही प्रश्न जो है पदाधिकारी भी पकड़ा है और पुष्टि भी किया है कि सही में क्वेश्चन वायरल हुआ, और अभी तक सीएसबीसी के तरफ से कोई पुष्टि नहीं किया गया है जो सही में क्वेश्चन वायरल हुआ है, जो कि पदाधिकारी उन्हीं का पदाधिकारी भी बताया सही में यही प्रश्न एग्जाम हॉल में था और यही प्रश्न देखने को मिला था। और छात्र नेता दिलीप कुमार भी पहुँचे, बहुत सारा सेंटर पर पहुँचे थे और बोले थे जो एक घंटा पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है क्वेश्चन, अभी तक सीएसबीसी की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुआ है जो सही में वायरल हुआ है, एग्जाम रद्द होना चाहिए, जो कि यही 100% यही प्रश्न था जो एग्जाम से पहले एक घंटा पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, सभी स्टूडेंट के पास आ गया था, बहुत सारा स्टूडेंट पकड़ाया, 100 से प्लस स्टूडेंट पकड़ाया है और 6-7 स्टूडेंट के पास जो पकड़ाया था नवादा में, उसके पास यही आंसर प्रश्न भी यही 100% यही प्रश्न देखने को मिला था। सेकेंड शिफ्ट में बात करते हैं, यह लड़का देख लीजिए जो आप देख रहे हैं, ध्यान समझ लीजिए, जो लड़का के दिखाए ये भी लड़का पकड़ाया गया है डिवाइस के साथ, जो प्रश्न लिखा रहा था बाहर से आंसर प्रश्न के साथ आंसर लिखा रहा था और यही प्रश्न आपको देखने को मिला था, क्योंकि यही 100% सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रहा, सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के एक घंटा पहले एग्जाम से एक घंटा पहले वायरल हुआ था। फिर से जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसका लाइफ भविष्य फिर से बर्बाद हो रहा है और जो मुन्ना भाई है वो सभी पास हो जाएंगे, क्योंकि जिनके पास आ गया क्वेश्चन वह पास हो जाएंगे, क्योंकि 1 से 2 घंटा पहले एग्जाम से एंट्री है, सुबह में 9 बजे था तो 9:30 बजे तक एंट्री हुआ है, बहुत सारा कॉलेज में 9:05 तक 9:10 तक एंट्री हुआ है और सेकेंड शिफ्ट में था 11:30 बजे से सोशल मीडिया पर क्वेश्चन वायरल हो रहा था, 11:30 बजे से, सोच सकते हैं एग्जाम 3 से 5 है और 11:30 बजे से ही क्वेश्चन वायरल हो रहा है। फिर भी अभी तक आधिकारिक तौर पर अभी तक सीएसबीसी के चेयरमैन नई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, नई आधिकारिक तौर पर कोई नोटिस जारी किया है कि सही में एग्जाम रद्द होगा जो क्वेश्चन वायरल हुआ है, जो कि इस बार पढ़ने वाला स्टूडेंट फिर से जाएगा, क्योंकि मुन्ना भाई सब पास करेंगे और पढ़ने वाला स्टूडेंट फिर से जाएगा, क्योंकि उनके पास नहीं आया था। फिर से बिहार देख लीजिए, बिहार की स्थिति क्या बन चुका है, मुन्ना भाई सब निकल जाएंगे और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो फिर से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पिछले 3 सालों से वैकेंसी नहीं आई थी, उसके बाद ही वैकेंसी आपको देखने को मिली है, बिहार में यही स्थिति है और अभी तक कोई मंत्री नहीं बोले हैं और नहीं आधिकारिक तौर पर कोई पदाधिकारी आया जो सही में क्वेश्चन वायरल हुआ है, जो कि 100% स्टूडेंट के पास क्वेश्चन पकड़ाया है और बिहार पुलिस के पदाधिकारी ही बोले हैं जो यही प्रश्न एग्जाम में ही था और यही प्रश्न स्टूडेंट के पास भी पकड़े हैं, बहुत सारा स्टूडेंट कल पकड़ाया गया है। क्या कुछ अपडेट निकल के आती है, अभी जो अपडेट निकल के आ रही है आधिकारिक तौर पर, अभी सीएसबीसी का चेयरमैन आधिकारिक तौर पर नहीं बताए हैं जो सही में क्वेश्चन वायरल हुआ है, क्या कुछ अपडेट निकल के आती है फिर से हम आपको नए वीडियो बनाकर हम आपको बता देंगे। और अभी तक देख लीजिए समय कितना हो रहा है और अभी तक कल से लेकर अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है बिहार पुलिस की तरफ से, सीएसबीसी की तरफ से जो सही में क्वेश्चन वायरल हुआ है और स्टूडेंट परेशान है, जिसके पास आया हुआ तो 100% छाप के आया है और जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है वो स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, स्थिति यहाँ पर ही बन चुकी है फिर से बिहार में, जो कि बताया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मुन्ना भाई सब आए थे
और पहले ही से 1 घंटा 2 घंटा पहले ही क्वेश्चन वायरल कर दिए थे, 1 घंटा 2 घंटा पहले ही क्वेश्चन ले लिए गए थे और सभी को डिवाइस के माध्यम से लिखाया जा रहा था। स्थिति यहाँ पर ही बन चुकी है दोस्तों। जैसे ही जो भी अपडेट निकल के आएगी फिर से हम आपको अपडेट कर देंगे, क्योंकि अभी तक CSBC की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है जो सही में क्वेश्चन वायरल हुआ है, दोनों शिफ्ट के एग्जाम रद्द किया जाए। दोस्तों जो अभी अपडेट निकल के आ रही है वही अपडेट हम आपके बीच शेयर किए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से अधिकारी कोई बयान आता है जो सही में दोनों शिफ्ट के एग्जाम रद्द किया जाएगा, फिर से नए वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू।